HD ग्रुप लेकर आया है नवरात्र के अवसर पर सबसे अच्छे ऑफर। जिस बंदे ने ये ऑफर नहीं लिया नवरात्रों में, वो जीवन में कभी नहीं ले पाएगा और कम से कम 1-1.5 लाख रुपए प्रॉफिट में जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं जहां पर हर 10 से 15 दिन में, हर हफ्ते के अंदर इस तरह से नए नए प्लॉट आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं, एक और नया प्लॉट यहाँ पर बन चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रॉपर लाइट भी मिलती है, यानी साइड पर आपको लाइट और पानी और रोड, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक पक्की और सच्ची जमीन मिलने वाली है। आप जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन लेने से पहले उसका रेडियस चेक कर ले। 12 से 15 किलोमीटर का रेडियस है, जिसके अंदर का जमीन आ गई रेडियस के अंदर, वो जमीन एक्वायरमेंट जाएगी। नहीं, मेरी बात पे विश्वास है, गूगल पे या फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं कि अभी हाल उल फिलहाल में अभी वहाँ पे एक्वायरमेंट की गई है, तोड़फोड़ की गई है। जो रेडियस में जमीन आपकी आ रही है एयरपोर्ट के नाम से, रेडियस में प्लॉट ना ले, उसके एयरपोर्ट की जमीन को परचेस ना करें जो रेडियस में जमीन आ रही है। आप देख सकते हैं, ये हमने मीटर की बोरा, लाइट की सुविधा वो कर रखी है, देख सकते हैं तार लगा रखे हैं हमने, पूरी केबल खिंचवा रखी है, रोड हमने बना रखे हैं और पानी की पाइपलाइन देख सकते टंकी वो रखी हुई, पानी की पाइपलाइन बिछा रखी है। हमने तीनों काम करा रखे हैं और तीन के अलावा हम दूसरे काम देंगे ही नहीं आपको। हम ये नहीं कहेंगे कि रोड मखमल का बना के देंगे, ये करा के देंगे, ऐसा कुछ नहीं देंगे, तीन चीज देंगे और तीनों चीज हमने पूरी कंप्लीट करा रखी है। और मैं आपको आज जेवर एयरपोर्ट के पास में जो जमीन बिक्री है एयरपोर्ट के आसपास में, मैं उनकी हकीकत बताता हूं मैं आपको आज। इस वीडियो को पूरा देखना इस चीज के लिए। ये दिल्ली NCR का सबसे बड़ा कट बनने वाला है। हाँ जी। इसका मेन रीजन जो पीछे देख रहे हैं आप, पिलर देख रहे हैं, ये NH2 जो हाईवे, इसको ऊपर से निकले दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस हाईवे, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जो कि दिल्ली से बम्बई मात्र 12 घंटे के अंदर पहुंचाएगा। ये NH2 हाईवे, जो भी ट्रक वर्क से देख रहे हैं आप, देख सकते हैं ऊपर देखेंगे आप, ये आपको जो हाईवे दिखाई दे रहा है इस पे पूरी गाड़ियां चल रही है, ये हमारा NH2 हाईवे, ये मथुरा आगरा हाईवे जा रहा है। इधर को आप सीधे हाथ को जाएंगे दिल्ली, ये आगरा को, इधर आप जा सकते हैं यूपी में, इधर भी साइड, और ये बम्बई जा रहा है। इंडिया का ये लगा लो कि मिड पॉइंट से आ गया दिल्ली NCR में, देश के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं। और सर, जैसे आपने बताया आने वाले टाइम में दिल्ली से बॉम्बे भी हम जा सकते हैं सर 12 घंटे में, मैं नहीं कहता, गूगल पर सर्च कीजिए इसकी इन्फॉर्मेशन। और 2023 में कंप्लीट होना है। अच्छा जी, मैं नहीं कहूंगा 10 साल में होगा, 2023 में कंप्लीट होना है सर। और इसके साथ साथ में रेलवे ट्रैक जा रहा है, जो कि दिल्ली बम्बई बंदरगाह जा रहा है, जो दादरी से सीधा जा रहा है, वो आप गूगल पर सर्च कीजिए। दोस्तों, ये सारी चीजें आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज दिखाई जा रही है। ये सराज भाई, ये दिखे जितने भी देख रहे हैं ना, ये फ्लैट है, 50-50, 60-60 लाख रुपए का 2 BHK फ्लैट मिल रहे हैं जी ये। और ये NH2 हाईवे है जो साथ में चल रहा है, और इंडिया का सबसे बड़ा कट बन रहा है, वो दिल्ली NCR का सबसे बड़ा कट बन रहा है जी ये। हाँ जी, हाँ जी। और सर, ये जो फ्लैट है इनकी कीमत कई लाखों रुपए में है, 50-60 लाख रुपए 2 BHK, और वही चीज हम हजारों में दे रहे हैं। हाँ जी। ये भैया जी, आपका SBI बैंक है, बजाज की मोटर की आपकी एजेंसी है, और ये पूरी मार्केट है देख सकते हैं, बीकानेर है, आपको हॉस्पिटल भी है, नर्सिंग होम भी है, यहाँ पर हीरो की एजेंसी भी है, यहाँ पे HDFC बैंक भी है, पेट्रोल पंप भी है, देख सकते हैं आप सब। ये जमीन के साथ में लगी हुई मार्केट है पूरी, 5-स्टार होटल का काम चल रहा है बिल्कुल साथ में, और ये एजेंसी है ट्रक की और छोटा हाथी की, जिसे छोटा हाथी बोलते हैं, उसकी एजेंसी है ये साथ में। क्या बात है, ये देख सकते हैं सिराज भाई, ये हमारी जमीन का रास्ता है, दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, ये मथुरा हाईवे रोड है, यहाँ से आपको 10 रुपए में ऑटो में मिलते हैं 1 किलोमीटर दूर, ये रास्ता है हमारी जमीन पर जाने के लिए। ये देख सकते हैं उल्टा पक्का रोड है, ये देख सकते हैं आप, उल्टे हाथ पे आपका बैंक मिलेगा और सीधे हाथ पे ये मंदिर मिलेगा जी आपको, ये देख सकते हैं। अच्छा, यानी कि एंट्री में दोनों चीजें मिलती है, पूरी बसावट के साथ में मिलती है चीजें। क्या बात है, हमारा सरकारी स्कूल है, जैसे बहुत से बंदे होते हैं जो नहीं पढ़ा पाते प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, एजुकेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सर, रोड की बात करें, यहाँ तो पहले से रोड काला हो रहा है पूरा। सर, ये अब पहले से नहीं हो, ये अभी हुआ है काला रोड। अच्छा अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये जो जमीन है, लोकेशन मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, जो हमारे बहन और भाई जो मित्र हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, फिर से बता देता हूँ, जो जमीन है हमारी ये बल्लमगढ़ राजा नारसिंह मेट्रो स्टेशन के पास है, सीकरी हरफली। हाँ जी, ये हरफली विलेज की जमीन आती है, ठीक है। और यहाँ पे USP क्या है ये बताता हूँ, दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस हाईवे 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे, NH2 हाईवे 1 किलोमीटर दूरी पे है, पीछे रेलवे जंक्शन बन रहा है 1 किलोमीटर दूरी पे है, आपके चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है जमीन पे। अच्छा, ये चीज है, यहाँ कोई भी बंदा हमारा मकान बना के रह सकता है एट ए टाइम। सर, ऑलरेडी पहले से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, मैं देख पा, आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी कॉलोनी बसावट है। हाँ जी, यहाँ देख सकते हैं आपको घर भी बने हुए दिखाई, और देखिए इधर भी दिखाइए, कैमरे से दिखाइए, कैमरे में इतना दिखाया नहीं जाता, बसावट नहीं दिखाई जाती, ये चारों तरफ कॉलोनी बसी हुई है। और दोस्तों, यहाँ पर लाइट भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर पोल है, उस पर केबल भी है, सभी घरों में लाइट भी जा रही है।
यानी यहाँ पर आपको लाइट और पानी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि सर हमेशा कहते हैं कि आपको रोड बना के देंगे, तो देखो यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, रोड बनने की पूरी तैयारी यहाँ पर भी हो रही है और ये आपका काम चालू हो चुका है। हमारी कॉलोनी के बीच के अंदर के भी रोड काले होने वाले हैं। क्या बात है। तो दोस्तों एक ऐसी जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अगर आप अभी खरीदते हैं तो आने वाले टाइम में आप वहाँ पर बना करके रह सकते हैं और अभी से भी रह सकते हैं। सारी इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पर हमें मिल जाती है, तो रोजगार की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी है, जेसीबी, टाटा स्टील और बंसल ट्रेडिंग कंपनी, क्वालिटी डेयरी, सब कुछ है यहाँ पर। और जैसे कि सर मैं एक चीज पूछ लेता हूँ, एजुकेशन की अगर हम बात करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की? सरकारी में देखो सबका, देखो सरज भाई सबका अपना अपना बजट होता है। हाँ, किसी का बजट है सरकारी में पढ़ाएंगे वो सरकारी में पढ़ा सकते हैं, किसी का बजट है प्राइवेट में पढ़ाएंगे वो प्राइवेट। तो हर तरह की एजुकेशन है हमारे पास यहाँ जमीन। तो दोस्तों एक बार चलते हैं और अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं कितनी बसावट है और कुछ क्या नया हुआ है जमीन। फिर से कुछ ना कुछ बन रहा है और मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ सर कुछ ना कुछ बदलाव दिखता है और सबसे चीज कुछ ना कुछ बनता हुआ दिखता है। ये लोगों का प्यार है जमीन। हाँ, हम उस तरीके के लाते हैं कि एक जैसी जमीन ना रहे हमारी जमीन पर। कभी भी कोई बंदा आएगा तो उसे कुछ ना कुछ नया दिखाई देगा और रेट इंक्रीज दिखाई देंगे। देखो सर हमने कोई कुछ दिन पहले यहाँ वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर ये बाउंड्री भी नहीं हो रही थी और पीछे घर भी नहीं बनना था। ये देखिए जब आप आए थे तो ये वाला घर बन रहा था जो 120 गज में हमने दिखाया था ऊपर खड़े होकर भी। उसमें वो बंदे शिफ्ट हो गए आज की डेट में जिन्होंने उस पे दिवाली पे धनतेरस वाले दिन प्लॉट लिया था और होली पर जिन्होंने बना भी लिया और रह भी ले, जिसमें दिवाली धमाका निकाला था, होली धमाका निकाला था हमने। और वो देख सकते हो जो नीली नीली है ना। हाँ, वो आपकी क्वालिटी डेयरी है सामने। अच्छा, ये अच्छा। मेन हाईवे पे, एक मेन हाईवे से ये 1 किलोमीटर बनती है, 1 किलोमीटर दूरी पे है। और ये देख सकते हैं ये काम चल रहा है, 60 गज का प्लॉट है, 18x30 यानी कि 18 फ्रंट 30 घर आई है जो कि आपका 15 दिन में कंप्लीट होगा, फैमिली शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारी जमीन ऐसी है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है, 60 गज का प्लॉट है आपका और 18x30 का इसका पूरा फ्रंट है। हाँ जी, 18x30 घर आई है और यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी लोग काम कर रहे हैं। तो सर मैं जैसे पूछना चाहूँ घर है किसका भी है? ये अशोक भाई, एक मिनट आना। अच्छा अच्छा, देखो इनका ही खुद का प्लॉट है। वैसे आप ही का घर है, आपने लिए जमीन यहाँ? हाँ जी मैंने लिया था। अच्छा, तो सर एक बार थोड़ा अपना नाम बता दें और आप कहाँ से ये बताएं। ये लीजिए, ये पकड़ जी। मेरा नाम अशोक मुखिया है। हाँ जी, मैं बिहार से हूँ। अच्छा जी, जी तो आपने कितने दिन पहले लिया जी प्लॉट ये भी? मैंने 13 महीने पहले लिया था जी। सर क्या सोच के लिया आपने प्लॉट यहाँ पे? यहाँ का माहौल, हाँ जी, थोड़ी सारे चीजें जो है नजदीक में है। ठीक है, ठीक है जी। तो माहौल भी अच्छा है, सस्ता भी पड़ा था। हाँ जी, सब चीज मुझे अच्छा लगा था जब मैंने लिया था। अच्छा, यानी हाँ अभी आपको पूरी तसल्ली होगी है कि आप यहाँ पे बना के रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की? नहीं जी, यानी काम काज, रहना खाना पीना, बिजली पानी, सब चीज है? सब चीज है। तो दोस्तों देखो लोगों का कितना ट्रस्ट है। जो लोग मैं यहाँ पर सवाल पूछता हूँ, अशोक भाई जब आप आए थे मेरे पास यहाँ कितने घर बने? इतने घर थे या नहीं थे? इससे कम था। हाँ, यानी दिन पे दिन घर बनते जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, और क्या रेट लिया था और आज के रेट में और उस रेट में फर्क है? आज 4,500 के फायदा है जी पर गज पे। ओहो, यानी 11 महीने में 4,500 रुपए पर गज, 13 महीने में 4,500 रुपए पर गज बढ़ चुके हैं। और इनसे ये पूछे रजिस्ट्री विद मोटेशन हुई नहीं हुई इनकी? अच्छा हाँ सर, डॉक्यूमेंट्स का बताएं थोड़ा सा, आपकी रजिस्ट्री मोटेशन हुई है या नहीं? कंप्लीट है जी, पेपर कंप्लीट है। हाँ जी, तो दोस्तों देखो इससे अच्छी यहाँ का माहौल कैसा ये पूछे आप? अपने फैमिली के साथ रह रहे? तो जब अच्छा ही होगा, फैमिली के साथ रह रहा हूँ, माहौल तो घर जैसा है, अपने गांव जैसा है। यानी दोस्तों अभी जैसे यहाँ पर बदमाशी, किसी छीना छपटी, किसी तरह के कोई दिक्कत दिक्कत तक भी नहीं है, सब चीज ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं जैसे अब मैं आपको एक चीज और पूछता हूँ। हाँ जी, पहले ये हमारे पास नहीं आए थे। हाँ जी, ये कहीं और पे गए थे पहले, ठीक है। इन्होंने कहीं प्रॉब्लम, मैं नाम तो नहीं खोलूंगा कहाँ पे गए थे ये। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने वहाँ पे 5100 रुपए दे के, आज भी इनके पास स्लिप है। हाँ जी, ठीक है जी, वहाँ पे आए बट वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं थी। क्या बात, वहाँ पे जीपीए थी। तो इनके दिमाग में ये 7-8 जने है। हाँ जी, तो इनमें से एक बंदा मेरे पास आया कि सर समझ में नहीं आई चीजें, ठीक है, तो समझ में नहीं आ रही। हाँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आए, इनकी मैंने एक बंदे की, संजय जी की, मैंने रजिस्ट्री विद मोटेशन पहले करा दी। उसके बाद मैंने पेमेंट ली, तो इन्हें ट्रस्ट हो गया। अच्छा, ये कहीं भुगते हुए बैठे हैं। तो उनकी जमीन जहां इन्होंने लिया, इनके और बंदे उन्होंने लिया, उन जमीन और जमीन में अंतर देखते तो वे कहते काश हम भी ले लेते, बट वो काश लेते तो 4,500 रुपए प्लस हो गया उनके रेट। क्या बात है। तो सर यानी कि जैसे आपने सस्ते में ली और आज की डेट में इतना पैसा बढ़ चुका है। हाँ जी, तो आपको अच्छा लग रहा है इस टाइम? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो दोस्तों देखो कहाँ बढ़ता है पैसा। हाँ जी, ये केवल एचडी ग्रुप का प्यार है मेरे भाई, ठीक है, कहा नहीं करके दिखाया, ये लाइट दे दी। ये दोस्तों देखो आप खंबे पे देखो केबल है, आप देख सकते हैं घरेलू केबल है, घरेलू लाइट आपको मिल रही है और लोगों का यहाँ पर इतना विश्वास है। यहाँ पर देखो पूरा लोहा काटा जा रहा है, घर में पूरा लोहा लगाया जा रहा है, यानी खूब अच्छे से बनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखो ये भी सरिया पड़ा हुआ है, रखे हैं जी ये, और पानी के पाइप डाल रखे, ये देख सकते हैं। यानी सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है जब भी यहाँ पर जमीन डेवलप हो रही है, और जब जमीन डेवलप होती है तब
जब जमीन डेवलप होती है तो सर जब भी उसका रेट बढ़ता है। बिल्कुल भैया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी सर ने दिखाई है, अगर आप इसे बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं। जैसे और आप बहुत से लोग सराज भाई पता है बहुत से लोग कमेंटबाजी करेंगे कि ये तो इनका बंदा है, भैया मेरी जमीन पे खुला बोलता हूँ, पहले से पहले वीडियो उठा के देख लीजिए आप। अच्छा सर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है? नहीं जी बिल्कुल नहीं, आप पीछे से आके पूछ सकते हैं हर तरीके से, ये जवाब मिलेगा जी। ठीक है, वो है, मैं ये कहता हूँ यार मेरी जमीन को खुला चैलेंज, आके पीछे पता करें, मन लगे दिल में लगे कि हाँ भाई यहाँ गुंजर है कुछ अच्छा हो सकता तो आप प्लॉट ले, वरना कोई बात नहीं है सर। हमारा तो बड़ी सिंपल सूत्री बहुत क्लियर बात होती है। ठीक है, तो सर जैसे अभी अभी हमारा नवरात्रे का ऑफर चल रहा है तो आपने कुछ ना कुछ तो ऑफर हमें देना ही पड़ेगा। अब अशोक भाई बुरा मान जाएं, कहेंगे यार हमें तो कोई नवरात्रों का ऑफर नहीं दिया। अशोक भाई की जमीन तो वैसे ही 4,000 रुपए पर गज महंगी हो गई है, 4,500 रुपए पर गज महंगी हो चुकी है। 50 का प्लॉट पता कितना हो जाता है सर को? तो डबल का प्रॉफिट हो गया होगा। अब कितने का प्लॉट हो गया? 2,12,500 रुपए। क्या बात, 2,00,000 का प्लस के प्रॉफिट में बैठे हैं ये 13 महीने में। कौन देता है? तो सर ये सारी चीजें डेवलप के ऊपर है, आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जहां पर हर महीने 15 दिन में कोई ना कोई नया घर बनता हुआ दिखाई देता है। सर अगर हम प्राइस की बात करें, यहां पर आप किस तरह के प्लॉट लेके आए, क्या साइज मिलने वाले और क्या प्राइस होने वाले? सर सबसे पहले क्या बताऊं, ऑफर बताऊं, रेट बताऊं या साइज बताऊं? सर ऑफर बताता हूं, ऑफर बाद में, साइज और रेट रेट बाद में। ठीक है चलो, ठीक है पहले हम देंगे आपको 30 गज से स्टार्ट देंगे प्लॉट, 30 गज से आप ले सकते हैं, जहां तक भी आप लेना चाहते हैं वहां तक ले सकते हैं। दूसरा, माता रानी का पहला नवरात्रा है, ऑफर देता हूँ, नवरात्रि तक के वैलिड होगा ये। ठीक है, माता रानी के आशीर्वाद से हमने बहुत काम किया और बहुत आगे प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा काम करेंगे इन फ्यूचर भी। तो मैं आपको 15% का डिस्काउंट दूंगा, कोई भी मेरा बहन और भाई और मेरा मित्र जो प्लॉट लेना चाहता है कैश में, कैश में और इंस्टॉलमेंट पे भी दूंगा मैं। क्या बात है दोस्तों, 15% आप सोच सकते हैं 15% कितना ज्यादा होता है एक प्लॉट्स के लिए। दूसरा ऑफर, हाँ जी ऑफर दूंगा 3,000। ठीक है, दूसरा ऑफर, कोई मेरा भाई और मित्र कोई भी प्लॉट लेना चाहता है कैश में, एक महीने के टाइम पे, टर्मेंट कंडीशन है, एक महीने के टाइम पे, ठीक है, मैं उनकी रजिस्ट्री विद मोटेशन फ्री करा के दूंगा। यानी दोस्तों एक महीने के अंदर आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद अगर आप इसे अपने नाम कराते हैं तो रजिस्ट्री और मोटेशन आपको फ्री करा के फ्री मिलेगी, कोई पैसा नहीं देना, कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर इंस्टॉलमेंट में कैश में कोई भी बंदा प्लॉट लेगा उसे 32 इंच की स्मार्ट LED हम फ्री देंगे। ओहो, यानी सर आपने तो तीनों रिकॉर्ड तोड़ दिए सभी के दोस्तों, रजिस्ट्री और मोटेशन फ्री, 15% कैश आपको बिल्कुल लेस मिलने वाला है और उसके अलावा आपको 32 इंची की एक स्मार्ट LED मिलने वाली है। तो सर आपने तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं सोने पे सुहागा कर दिया, यानी नवरात्रों में आपने दिवाली धमाका कर दिया। अगर आप बंदे, आप बहुत से लोग सोचते हैं ले लेंगे कास ना करे कब ले लेंगे, भैया देखो जमीन घट रही है और रेट प्लस हो रहे हैं, डेवलपमेंट जितना बढ़ेगा उतना रेट प्लस होगा। और दूसरी बात कि जमीन अब ना प्लॉट आप नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, बहुत से लोग वीडियो देखे यार जब ले लेंगे। और जैसे ये खबर का पता चला है जेवर एयरपोर्ट का, तो सभी लोग दोस्तों इधर की तरफ भाग रहे और यहाँ पर जमीन नहीं मिल रही है। सर ने बताया अभी सर अमाउंट लेके घूम रहे लेकिन इनको जमीन नहीं मिल पा रही है देने के लिए। यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट पर नहीं, जेवर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूरी पे है जी, मैं रेडियस में काम ही नहीं करता, जहां तोड़फोड़ हो जाए, एक्वायरमेंट हो जाए, मैं ऐसे झूठा काम नहीं करूंगा। एचडी ग्रुप बहुत से बंदे भैया जेवर एयरपोर्ट लेना, अरे यार एक बार न्यूज तो सुनो, मैंने व्हाट्सएप पे डाली है, सुबह से 25 बंदे रो रहे हैं मेरे सामने, भैया ये क्या हो गया, मैंने उनसे मना किया था कि जेवर एयरपोर्ट के पास मत लो। क्या आप प्लेन से डेली अप एंड डाउन करते हैं क्या? एयरपोर्ट से क्या होता है, पालम के पास भी तो एयरपोर्ट है, वहां तो करोड़ों अरबों की चीज हो जानी चाहिए थी, अरबों खरबों की। अरे भैया बसावट से रेट बढ़ते हैं, बात को आप समझिए, जहां इंडस्ट्री ले रहे होगा वहां भविष्य पे ना जाएं, वर्तमान की बात करें, जिसका वर्तमान सही होगा उसका भविष्य अच्छा होगा। सर एग्जैक्ट लोकेशन एक बार फिर से बता दें हमारी इस जमीन की क्या होने वाली है? बल्लमगढ़ राजा नारसिंह मेट्रो स्टेशन के पास है, सीकरी हरफली, हाँ जी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है, 1.5 किलोमीटर दूरी पे जो दिखाया है, हाँ पीछे रेलवे जंक्शन बन रहा है जी, 1 किलोमीटर दूरी पे मार्केट पूरी जमीन के पास में है, चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, मेट्रो आपकी दूसरा स्टेशन यही बन रहा है सीकरी में आपका, और क्या चाहिए आपको? आपने इतने सारे धमाके तो कर दिए, अब प्राइस भी बता दें, क्या प्राइस मिलने वाला है? सराज भाई हम देंगे फेज 2 में 8,500 रुपए गज, और फेज 1 में देंगे हम आपको 12,000 रुपए गज। अब बहुत से बुद्धिमान कहेंगे भैया इनके तो रेट बढ़ते रहते, अरे भैया तुम हमारे पास आपके पास बढ़ते तो आप क्यों नहीं बढ़ाते अपने डीलर के हिसाब से? रेट तो बसावट से बढ़ते हैं ना, सीधी बात है। और दोस्तों अगर आज आप लेते हैं और कल 6 महीने बाद रेट बढ़ जाते हैं तो देखो आपको ही प्रॉफिट होगा उसके अंदर। भैया डेवलपमेंट करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब रेट बढ़ रहे हैं, एक जमीन पे एक रेट स्तर नहीं है हमारी, और जमीनी स्तर पे आके पता करें। एक चीज और बताए, अगर कोई आपके ऑफिस आना चाहता है किस तरह से आ सकता है, प्रॉपर एड्रेस क्या होने वाला है? हमारा जो ऑफिस है फरदाबाद में है, एस्कॉर्ट मुजेसर मेट्रो स्टेशन YMC कॉलेज पे है, 20/2
मेन मथुरा हाईवे रोड पर एच डी ग्रुप का ऑफिस है। गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं एच डी ग्रुप करके फरीदाबाद प्रॉपर्टी, तो आपको गूगल की लोकेशन मिल जाएगी आपको गूगल मैप पे डाल। तो दोस्तों अगर आप इनके पास आना चाहते हैं तो उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आ सके। सर बुकिंग अमाउंट क्या होने वाला है? 5100 रुपए लेते हैं जी हम पहले। टोकन अमाउंट करते हैं, इसमें 7 से 10 दिन का हम आपको टाइम देंगे, उसके बाद 25% के लिए या रजिस्ट्री कराना चाहते हैं हाफ पेमेंट पे हम रजिस्ट्री करा देंगे। तो रजिस्ट्री कराने के बाद हम आपसे बाद में पैसे लेंगे, पहले रजिस्ट्री मोटिवेशन कराए उसके बाद हमें आप पैसे दे, हमें पहले पैसे भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आइए और अपना एक घर यानी सपनों का आशियाना आप यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल सिराज से अभी को सब्सक्राइब करें और साथ में होगा एक घंटे का बटन, उसको जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है।